कुछ और खबरों का। लखीसराय में छठ के पावन दिन खून की होली खेलने वाला सनकी आशिक आशीष चौधरी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस सनकी आशिक आशीष को वहीं लेकर गई जहां आशीष ने 6 लोगों पर गोलियां बरसाई थी, जिसमें उसके कथित पत्नी समेत 3 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने लखीसराय गोलीकांड का सीन रिक्रिएट किया है। रिपोर्ट देखिए। क्या करेंगे, हमने अपराध किया, अब जो भी हो, हाँ एकदम पछतावा है, एकदम पछतावा है, गलती है, ये गलत है, अपराध है। ये किलर का कबूलनामा है जो पुलिस को बता रहा है कि छठ के दिन कैसे उसने लाशें बिछा दी थी। उसके बाद मैं उधर गया था आगे देखने के लिए, इधर से उसके भैया पापा दौरा लाए थे। अच्छा हाँ। और फिर शशिभूषण झा को कहाँ मारा? यहीं पे। एक साथ 6 लोगों पर गोलियां बरसाने वाला सनकी आशिक आशीष चौधरी उसी गलियों में गुनाह कबूल कर रहा है जहां उसने अपनी कथित पत्नी और उसके भाइयों को मौत की नींद सुला दिया था। हमारे दिमाग में कुछ गलत चल गया, उसको समझा नहीं पाए, अपने मन को रोक नहीं पा रहे, हमसे अपराध हो गया। हम पूरे परिवार को क्यों टारगेट किया? पूरे परिवार को नहीं टारगेट किए थे, हम अपनी बीवी से बात भी किए थे उस दिन, उस गली में जा रही थी तो हम पूछे थे उससे कि सुनो तुमसे कुछ बात करना है, वो इग्नोर किया और बोले हम तुमको नहीं जानते हैं, और आगे जाके फिर गली में हम इस घटना को। दरअसल सनकी आशिक आशीष चौधरी ने छठ के दिन अपनी ही कथित पत्नी दुर्गा झा और उसके पूरे परिवार पर गोलियों की बारिश कर दी थी। 3 लोग तो बच गए लेकिन दुर्गा झा सहित 3 लोगों की मौत हो गई। अब पुलिस ने ट्रिपल हत्याकांड का सीन रिक्रिएशन करवाया तो सनकी किलर ने न सिर्फ अपना गुनाह कबूल किया बल्कि गुहार लगाता रहा कि इस हत्याकांड में और कोई शामिल नहीं है। कोई नहीं सर, वो जो बच्चा राजन जो है फोन किया था हमको, उसको भी मन में नहीं पता था, खाली इतना बोला छोटू भैया दुर्गा भाभी जार लो, हम उनका पीछे ही है। जिनका नाम आ रहा है? नहीं सर, नहीं, कोई नहीं है सर, कोई नहीं है सर, एकदम जो जी 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 उसका भुक्तभोगी मैं खुद हूँ, मैं गलती किया हूँ। 20 नवंबर को कवैया के पंजाबी मोहल्ला में आशीष ने छठ पर खून की होली खेली थी। 29 दिन बाद आशीष ने सरेंडर किया, अब गुनाह भी कबूल कर लिया है। देखना होगा कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। लखीसराय से राजकिशोर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में